नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल अनु मिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में अलंकार। आज का हमारा टॉपिक होगा अलंकार, जो कि ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि संधि, समास, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है और आज की इस वीडियो में हम लोग अलंकार स्टार्ट करेंगे। और अलंकार बिल्कुल डीपली में हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से लेकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पूछें कि अलंकार क्या होता है तो लगभग सभी लोगों के जुबान पे एक रटी रटाई परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और ये बात सही भी है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, लेकिन कैसे शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि वो कौन से तत्व हैं, किस तरीके से जो है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ये हमें नहीं पता होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अलग हम लोग पढ़ेंगे अलंकार, और ऐसे पढ़ेंगे जो कि कभी आपको भूल ना पाए। तो देखिए, अलंकार का मतलब होता है, सबसे पहले हम ये जाने कि आभूषण। अब कैसे होता है अभी हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल अलंकार का मतलब आभूषण भी होता है। अब देखिए, इसे समझने से पहले अगर हम आपको एक उदाहरण दें कि संसार में जितने भी लोग हैं, आप जानते होंगे कि यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं जिन्हें भगवान ने बनाया है। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो कि सभी से मिलते जुलते होते हैं, सभी के साथ जो है वो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं और वो सबसे अलग दिखते हैं। जैसे अगर हम एक्टर्स की बात करें, लाइक ऐश्वर्या राय की बात कर लें या फिर मिस वर्ल्ड की बात कर लें, तो ये जो है इतने ज्यादा खूबसूरत हैं कि हर किसी के साथ मैच नहीं होगा, यानी कि ये सबसे अलग दिखने वाले लोग हैं। तो क्या जो लोग सुंदर हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम सुंदर और भी दिखें, और क्या वो मेकअप नहीं करते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि ऐश्वर्या राय को भी जो है मेकअप किया जाता है, वो भी मेकअप करती हैं अपनी सुंदरता में चार चांद लाने के लिए, यानी कि और भी सुंदर दिखने के लिए। तो ये समझने का मतलब हमारे केवल इतना है कि अभी हम लोग एक परिभाषा देखे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो काव्य होता है, जो भी आपकी कविताएं होती हैं, वो ऑलरेडी सुंदर होती हैं, वो ऑलरेडी खूबसूरत होती हैं, लेकिन उसकी सुंदरता में चार चांद लाने के लिए, यानी कि उसकी सुंदरता को और भी बेहतर और भी सुंदर बनाने के लिए हम अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है। अलंकार भी कई टाइप के होते हैं जिन्हें आगे हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो हमारे कविताएं होती हैं, जो काव्य होते हैं, वो अपने आप में जो है भावपूर्ण होती हैं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं, और लेकिन उसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए जो है हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। जैसे सुंदरता को और भी बढ़ाने के लिए मेकअप का प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से कविताओं को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने बताया कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमें तैयार होने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, आभूषण वगैरह चाहिए, ये सारे पहन ओढ़ के जो है हम तैयार हो जाते हैं, तो उसी तरीके से काव्य का जो आभूषण होता है, उसका जो गहना होता है, वो होता है अलंकार, जो कि अलंकार को पहना करके उसे सुंदर बनाया जाता है। अब कैसे सुंदर बनाया जाता है ये हम लोग देख लेते हैं। यानी कि अगला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट बनता है वो, जैसे अगर हम तो यहाँ पर हम लोग तो जान लिए कि जो है इसे सुंदर बनाता है अलंकार, जो है काव्य को सुंदर बनाता है, लेकिन किस तरीके से सुंदर बनाता है ये हम लोग कैसे जानेंगे? और बहुत कम ही लोग जो है ये जानते होंगे। कविता को पढ़ने में रुचिकर बना देता है, कविता को पढ़ने में रुचिकर बना देता है। दूसरा पॉइंट है, अर्थ को प्रभावी बना देता है, अर्थ को प्रभावी बना देता है। अब कैसे बनाता है, देखिए कैसे
अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा कि काव्य को पढ़ने में रुचिकर बना देता है। अब कैसे, इसका क्या मतलब? तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर कविता या फिर कोई भी लाइन अगर आपको दे दिया जाए काव्य की, और उसे पढ़ने के लिए अगर दे दिया जाए, तो नॉर्मली जैसे सिंपल सी भाषा में जिस तरीके से गद्य पढ़ा जाता है, कहानी वगैरह पढ़ी जाती है, अगर वैसे आप पढ़ देंगे तो उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि उसे एक लयबद्ध तरीके से आप पढ़ें। जैसे यहीं पे अगर हम एक उदाहरण दें, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मान लीजिए यही काव्य है, इसे हमें पढ़ना है। मान लीजिए यही लाइन है और इसे हमें पढ़ने के लिए दे दिया जाए, तो किस तरीके से पढ़ेंगे? अगर हम ऐसे पढ़ें कि रघुपति राघव राजा राम, अपति तपावन सीताराम, तो क्या ये पढ़ने में इंटरेस्टेड लग रहा है, अच्छा लग रहा है? ये लग रहा है कि हमने जो है एक जिस तरीके से मान लीजिए कि सब्जी बना रहे हैं और सब्जी में नमक डालना भूल गए, जिस तरीके से सादी सादी लग रही है, तो वैसे ही पद्य को जो है अगर हम सिंपल सी कहानी के जैसे पढ़ देंगे तो उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। अगर इसी को हम लयबद्ध तरीके से पढ़ें, जैसे मान लीजिए कि इसी को हमें पढ़ना है, तो अगर हम पढ़ें कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन अब कैसे लग रही है और तब हम लोग पढ़े थे तो कैसे लग रहा था। तो कहने का मतलब कि कविता को पढ़ने में रुचिकर बना देता है। अब देखिए यहाँ, देखिए ये जो शब्द है हमारा र से शुरू हो रहा है, ये भी शब्द हमारा र से शुरू हो रहा है, तो इसे पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यहाँ भी र से और यहाँ भी र से, यानी कि रघुपति राघव राजा राम, यहाँ र से शुरू हुआ है। वैसे यहाँ देखिए पति तपावन, यानी पति और पावन दोनों ही प से शुरू हुआ है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से पढ़ने में जो है रुचिकर बन जाता है। ऐसे ही एक और उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो वहां भी आप देखेंगे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, यानी कि च च से शुरू हो रहा है, चारु चंद की चंचल किरणें, तो वहां पर भी थोड़ा सा पढ़ने में जो है हमें अच्छा लग रहा था। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा हुआ अर्थ को प्रभावी बना देता है। अर्थ को कैसे प्रभावी बनाता है? तो देखिए अगर हमें किसी को मान लीजिए कहना है कि आपकी जो आंखें हैं वो बहुत सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, अगर हमें ये कहना है, तो इसी को अगर हम कह दें मृगनयनी, यानी कि मृगनयन, अगर हम इसे कह दें एक शब्द में, अगर कह दें कि आपकी आंखें मृगनयन है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हम उसके नेत्रों की, जो उसके आंखों की बड़ाई कर रहे थे, वो अब कितना सुंदर लग रहा है। कहने का मतलब कि हिरण के, मृग के जैसी आपकी जो आंखें हैं वो सुंदर हैं, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि अगर हम कहें कि आपकी आंख बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। अगर उसको ही हम मृग नयन कह देंगे तो ये काफी ज्यादा सुंदर लगेगा और ये एक शब्द में भी हो जाएगा। ऐसे ही किसी का मुख कहना है कि आपका मुख बहुत ही सुंदर है, तो अगर उसे हम चंद्रमुखी कह दें कि आपका मुख चंद्रमा के समान है, यानी कि उसके मुख की तुलना हम चंद्रमा से कर दिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मुख जो है बहुत ही ज्यादा बेहद खूबसूरत है। तो इस तरीके से अर्थ को प्रभावी भी बना देता है हमारा अलंकार। तो ये तो रहा, हम लोग अभी देखे कि अलंकार कैसे किस तरीके से जो है काव्य की शोभा बढ़ाता है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को देखा जाए, तो व्यक्ति की सुंदरता दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक होता है बाह्य सुंदरता और एक होता है आंतरिक सुंदरता। बाह्य सुंदरता वो होता है जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे से नहा धो के, मेकअप करके, आभूषण वगैरह पहन के, टाई बेल्ट लगा करके, एकदम बाल वाल झाड़ के फिट हो गए, और तो वो जो सुंदरता दिखेगी वो क्या है, वो बाहर से जो है सुंदर बनाया गया है, बाहर से उसे
जो है मेकअप किया गया है, तो वो होता है बाह्य सुंदरता। लेकिन एक आंतरिक सुंदरता भी होती है, यानी कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बाहर से देखने में तो उतने सुंदर नहीं दिखते हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव होता है बहुत सुंदर होता है। अगर आप उनसे एक बार मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम बार बार जो है उनसे मिलते रहें, बात करते रहें। यानी कि कहने का मतलब उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग जो होते हैं बाहर से ही बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन अंदर से एकदम कट्टर होते हैं, दोबारा मन नहीं करता है कि हम उनके सामने जाएं, उनसे मिलें। तो ऐसे लोग होते हैं। यानी कि सुंदरता दो प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। अलंकार भी सेम जो है, हम लोग कंपेयर करके पढ़ रहे हैं ताकि हमें याद रहे, तो अलंकार भी सेम वैसे ही होता है। इसकी भी सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक। बाह्य और आंतरिक। अब यहाँ पर बाह्य सुंदरता का मतलब होता है कि वर्णों या शब्दों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। आंतरिक सुंदरता यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के माध्यम से, यानी कि अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाती है काव्य की। कहने का मतलब कि काव्य में दो तरह से सुंदरता होती है, वर्णों या शब्दों के माध्यम से होती है और एक अर्थ के माध्यम से होती है। तो ये जो पहला वाला हमारा यहाँ पर अब भेद बनता है अलंकार के भेद में, जब वर्णों या शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे हम लोग शब्दालंकार के नाम से जानते हैं, शब्दालंकार। दूसरा है कि जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, जहां पर अर्थ की प्रधानता होती है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। ये हो जाता है अर्थालंकार। यानी कि अलंकार के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार वो होता है जहाँ पर वर्णों या शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, और अर्थालंकार वे अलंकार होता है जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। एक और भी अलंकार आपको मिलेगा किसी किसी बुक में, किसी किसी विद्वानों द्वारा कहा गया है कि उभया अलंकार भी होता है। उभया अलंकार जिसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये जो है पूछता भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर किसी ने पूछ दिया उभय अलंकार के बारे में, तो उभय अलंकार क्या होता है? तो उभय अलंकार में शब्दों या फिर वर्णों के माध्यम से भी सुंदरता बनती है और जो है अर्थ के माध्यम से भी सुंदरता बनती है। इसमें यानी कि इसमें जो है दोनों की प्रधानता होती है। इसमें शब्द का होता है, वर्ण का होता है, इसमें अर्थ का होता है, और इसमें शब्द वर्ण या फिर जो है अर्थ दोनों का जो है इसमें जो है प्रधानता होती है। तो ये होता है उभय अलंकार। फिलहाल हमें उभय अलंकार नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है केवल दो ही अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी अभी स्टार्टिंग क्लास थी अलंकार की, जिसमें हम लोगों ने केवल बेसिक चीजें ही जाना, अलंकार के बारे में ही अभी समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, और जैसे शब्द अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं उसके बारे में, जैसे और भी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जरा भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।